लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल्स को यूज़ किया था। टेबल्स के अंदर हमने डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स के अंदर डाटा को कंटेंट को अपना सेट किया। आज हम टेबल्स के थ्रू वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कल अभी डिस्कस हुआ था टेबल्स के दो यूजेस हैं, एक तो रिकॉर्ड्स को रोज एंड कॉलम्स में दिखाना, दूसरा टेबल्स की मदद से वेबसाइट का लेआउट सेट करना। तो सपोज हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हम किस तरह का लेआउट अपने पेज का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। टॉप पे हमारा कवर सेक्शन, नीचे हमारा फुटर हो गया, और ये हमारा जो है वो सपोज नेविगेशन का पोर्शन हो गया, और इस तरह की चीज़ बनाने जा रहा हूँ। ओके, इस तरह का वेबसाइट का लेआउट बनाना है। यहाँ पे कोई पिक्चर लग जाएगी, कवर सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंटेंट होगा, और यहाँ पे कुछ बुलेट्स पॉइंट्स में बात लिखी होगी, प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, और यहाँ पे फुटर। तो जब हम ये प्लानिंग करते हैं कि ऐसी चीज़ बनानी है, तो फिर कोडिंग की तरफ जाते हैं। पहले डिज़ाइनिंग, देन डेवलपमेंट, फिर डिप्लॉय। तो डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने रोज़ कितनी बनानी होगी। वन, थ्री फर्स्ट रो के अंदर कितने सेल्स चाहिए? वन एक ही सेल चाहिए ना, इतना बड़ा। दूसरे में दो चाहिए, और थर्ड थर्ड वाले में एक ही चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया पेज ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लेआउट वन रख देता हूँ। इसको एडिट करते हैं, ओपन विद नोटपैड, और यहाँ पर सारा कंटेंट मैं उड़ा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौजूद रहेगा एक हेड है, उसके बाद बॉडी सेक्शन में टेबल स्टार्ट हो रहा है, और ये रही फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के अंदर एक टेबल डाटा रखना है, बाकी सारे मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी हेल्प के लिए कवर। फर्स्ट रो में एक ही टेबल डाटा था ना, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। टोटल 3 रोज बनानी है, तो ये आ गई हमारी 3 रोज। ओके सना, अरिशा नज़र आ रहा है? सेकंड रो के अंदर कितने हमें चाहिए सेल्स? 2 सेल्स चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 सेल्स भी बन गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेविगेशन, और यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट एरिया, और ये मेरा फुटर का काम करेगा। तो अपनी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे फुटर लिख, कुछ भी लिख सकते थे। सेव किया और ओपन करते हैं इसको, लेट्स सी कि ऐसा बना या नहीं बना। अच्छा, कुछ उसके करीब करीब तो पहुंच गए। हम यहाँ पे बॉर्डर भी शो करते हैं, ताकि पता चले कि टेबल कहाँ कहाँ ड्रॉ हुआ है। 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, ये बन गया। लेकिन ये जो फर्स्ट सेल है, इसको हमने कहना है कि ये फुल स्पेस ले लो, ऐसे करना है ना, जिसको भी कहना है फुल स्पेस ले लो। लाइक हमने दूसरे वर्ड्स में इसको ये कहना है कि 2 कॉलम्स के बराबर जगह लो, टू कॉलम्स के बराबर, इसने 1 कॉलम के बराबर जगह ली है ना, इसको कहना है 2 कॉलम के बराबर जगह लो। किसको कहना है? इस सेल को कहना है, इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर, स्टार्टिंग टैग के अंदर यहां पर कहना है कॉल स्पैन, कॉल स्पैन कॉलम्स के बराबर फैल जाओ। कितने कॉलम्स के बराबर फैलो? 2। कॉल स्पैन 2 करने से क्या होगा, ये 2 कॉलम्स के बराबर फैल जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर सम लाइक, यहाँ से इसको उठाया, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, कोई कलर चेंज कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, ये क्वेश्चन कल था ना आपका। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला है, वो भी एडजस्ट करना है, क्या कहूँ उसको, लास्ट वाले को भी एडजस्ट करना है ना, फैलाना है। अब पता चलेगा कौन हाजिर है क्लास में। उसको भी कॉल स्पेन कर देना सर, कॉपी किया और इसको भी कर दिया, ये ले, ठीक है, कोई इशू। अब इसकी हाइट एडजस्ट करनी है, यहाँ पे मैं हाइट कह देता हूँ इज इक्वल टू 16 पिक्सल कह देते हैं। टेक्स्ट जो भी लिखा होगा, टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज होगा, उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, लेकिन मैंने 16 दे दिया, ताकि कम से कम
या ऑक्यूपाई करे। आप देखो वैसे चीज़ बन गई ना, ये जो नेविगेशन वाला है इसको हम कम कर देते हैं, ये बेसिकली खुद से ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ रेशो में। आप देखें ना, ये मोबाइल के ऊपर कुछ वेबसाइट इस तरह की दिखेगी, टैबलेट के ऊपर ऐसी दिखेगी और लैपटॉप पे ऐसी दिख रही है। मैं इसका साइज कम कर देता हूँ, कहाँ से, यहाँ पर इसकी जो मैं विड्थ है ना वो कह देता हूँ परसेंटेज के अंदर, विड्थ मैं इसको कहता हूँ 20% लो स्क्रीन साइज का, 20% इसने एरिया और बाकी एरिया इसको दे दिया। अब इसकी जगह पे जितने भी आप पैराग्राफ, पिक्चर्स, जो भी चीज़ें आप लगाओगे वो इस एरिया में आ रही होंगी। यहाँ पे आप नंबरिंग या वो जो बुलेट्स हैं, ऑर्डर लिस्ट, नेविगेशन में क्या करूँ, यहाँ पर पिक्चर लगाऊँ तो इसका साइज फैलेगा, पिक्चर जगह लेगी ना, इसका साइज बढ़ जाएगा। इस बॉक्स में आएगी, यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगी पिक्चर, लेकिन पिक्चर का अगर विड्थ ज़्यादा हुई तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसको इधर फैला देगा, पिक्चर की विड्थ कम कर सकते हैं, फिर इतना ही रहेगा। अगर पिक्चर इसके अंदर एडजस्टेबल हुई तो हो जाएगा, नहीं तो फैला देगा इसको, कंटेंट जो ज़्यादा हुआ। क्लियर? ये था कॉल स्पैन, कि कॉलम्स के बराबर फैलाना, कि इतने कॉलम्स के बराबर फैल जाओ। नेक्स्ट आता है आपके पास रोज के हिसाब से। ये तो एक लेआउट बनाया ना हमने, सपोज अगर हम कुछ इस तरह का लेआउट बनाना चाहें, टॉप पे, सॉरी मुझे लाइन लेनी थी, बॉटम पे फुटर आ गया, यहाँ पर ये सेक्शन आ गया, और इसको ये करना, कुछ इस तरह का लेआउट बनाना है। तो प्लानिंग तो हो गई कैसा बनाना है, फिर प्लानिंग के दौरान आपने कोडिंग का भी थोड़ा डिसीजन लेना है। कितनी रोज, वन फर्स्ट रो में कितने सेल, एक, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉल स्पैन, टू, सेकंड रो में, थर्ड रो में, एक ही है ये वाला, बेसिकली नीचे आया हुआ है ना, ये फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, दो रोज के बराबर जगह ली हुई है इसने। ओके, तो अब हमने यही चीज करनी है, और लास्ट वाले में वही है, तो एक रो और इंट्रोड्यूस करवा दें उसी चीज के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा ठीक है, फर्स्ट रो जो है वो कॉल स्पेंड टू है और ठीक हुई हुई है। सेकंड रो के अंदर दो टेबल डाटा चाहिए थे, एग्जैक्टली यहाँ पे दो टेबल डाटा मौजूद हैं। थर्ड रो के अंदर एक ही चाहिए था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे थर्ड रो में एक टेबल डाटा ले आया, और इसमें से मैं कॉल स्पैन हटा दूंगा। इसको सेव करते हैं और अब ज़रा रन करते हैं इसको रिफ्रेश करके। जी कुछ हुआ ना, उसके करीब करीब पहुंच गए, लेकिन ये वाला जो सेल है इसको फैलाना है, नीचे तक लेके आना है। अब देखो ना, इसका कंटेंट अगर बड़ा हो जाए तो ये तो उधर ही रहेगा, वो मैंने उसको कॉपी तो किया, लेआउट जो ऐसा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं, इसमें भी फुटर लिखा हुआ है, इसमें भी फुटर लिखा हुआ है, क्या करें, किस जगह, सेकंड रो के बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात का आंसर दो इनसे, आपको समझ आ गया। मैंने ये पूछा है कि ये कह रही हैं, अच्छा ये बताएं, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ जैसा ये हमने डिजाइन किया है, तो उसके लिए मैं क्या कोड लिखूंगा और कहाँ कोड लिखूंगा, पहले ये बताओ क्या कोड लिखूंगा। नहीं, इसको फैलाना है ना दो रोज के बराबर, कॉल स्पैन टू करना है, रो स्पैन टू करना है, पहले कॉल स्पैन किया था ना इसको, दो कॉलम के बराबर फैलाया था, अब इस सेल को फैलाना है दो रोज के बराबर, तो क्या करेंगे, रो स्पैन लिखेंगे ना, कॉमन सेंस भी तो यूज करो, कहाँ लिखेंगे ये मैं पूछ रहा हूँ, इस कोड में मुझे बताओ मैं कहाँ लिखूँ, जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखा ना, क्यों वजह, यहाँ पर क्यों लिखूँ, नहीं इसको तो नहीं फैलाना, ये तो फुटर वाला है, किस वाले को, जहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, कहाँ, ये वाला, नहीं इस सर ये वाला, वाला
इसके साथ सर दरमियान में वेट में यहाँ पे लिखो, यहाँ पे नहीं लिखते, हमेशा जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है, इसके अंदर एट्रीब्यूट लिखूंगा रो स्पैन। फैल गया ना, ठीक है। अब आप कह रही थी इसकी हाइट बढ़ाऊं, ये ने इसकी हाइट जो है वो 16 पिक्सल से हटा दी। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब जितना कंटेंट लगाओगे इस कवर में वो फैल जाएगा, ये वाला फैल जाएगा, नीचे फैल जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाएगी। सो नाउ यू कैन डिजाइन द लेआउट ऑफ एनी वेबसाइट यूजिंग टेबल्स। ओके, सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, कॉपी पे प्लानिंग करेंगे कि हमने लेआउट कैसा बनाना है। इट्स अप टू यू कि आप लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हो, रो स्पैन, कॉल स्पैन, जितनी मर्जी सेक्शन बना लो। ये तो सिंपल सा है ना सर, वो जो अगर हम किसी ऊपर क्लिक करते हैं, और अभी तो आपने ये कहा है कि हम मतलब दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं लिंक करना, लेकिन अगर हम किसी को क्लिक करते हैं इतने ऑप्शन आ जाते हैं उसके, वो नहीं कर सकते उसमें भी, तो एक में वेरियस लिंक्स दिए हैं सर, उसका होगा। आप ड्रॉप डाउन की तो नहीं बात कर रही, जिस पे क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन आ जाए। बेसिकली उसके लिए CSS चाहिए, हमने CSS अभी स्टार्ट नहीं की, हम अभी कंटेंट इंसर्ट करना सीख रहे हैं। स्टाइलिंग्स का जो पार्ट है वो CSS के अंदर आएगा। ये जो लेआउट मैंने बनाया है आप ऐसा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज कॉल स्पैन टू, रोज स्पैन टू फुटर, बता भी दिया, लेकिन अब ये नहीं बनाना, ठीक है, अब कोई और बनाना है, खुद से जो है वो प्लान करना है और फिर उसको बनाने की कोशिश करना है। देखें यहाँ पर ये, अब ये एक सेल है ना, इस सेल के अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, तो इसके अंदर नया टेबल का टैग स्टार्ट कर दिया जाए और न्यू टेबल यहाँ पर शो कर दिया जाए, तो वो भी तो पॉसिबल है ना, अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन डिजाइन द एनी लेआउट। तो मैं आपसे डिमांड करता हूँ दो लेआउट्स डिफरेंट, कॉल स्पैन रो स्पैन दोनों यूज हुए हैं,